गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल ट्रेड। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनएचपीसी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में देखने वाले हैं। एनएचपीसी की इस एनएचपीसी लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आती है उसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आई हुई है। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है जो एग्जाम स्टार्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये हमारा 31 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है, यानी आज से 11 बजे स्टार्ट हो चुकी है। कल से स्टार्ट होने वाली है। और लास्ट डेट जो है इसका फॉर्म फिलअप का वो 21 फरवरी 2022 तक है, यानी पूरा पूरी 21 दिन का डेट दिया है ना। तो 21 दिन के अंदर आप लोगों को सभी को भर देना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो वैकेंसी का डिटेल क्या दिया हुआ है। तो पोस्ट और ग्रेड और पे स्केल के साथ हम लोग देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो हमारा पे स्केल है 29,600 से 119,500 डीए तक है। हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांगा है, तो यहाँ पे लिखा है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जैसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। कहने का मतलब है कि जो डिग्री होना चाहिए वो डिप्लोमा में होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और साथ में हमारा 60% मार्क्स होना चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यानी अगर CGPA में है तो इसका इक्विवेलेंट 60% होना चाहिए। और दूसरी बात, जो डिग्री है वो हमेशा रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट कॉलेज से ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए। और इसका मैक्सिमम जो एज है वो 1 फरवरी 2022 से काउंट किया जाएगा, को बेस मान के काउंट किया जाएगा। इस तारीख को जिसका 30+ हो चुका होगा वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो 68 है, यानी सिविल के लिए 68 वैकेंसी आई हुई है। इसमें भी आपको एससी के लिए 11 है, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और अनरिजर्व के लिए 28 है, यानी सीट अलॉट कर दिया गया है। उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए पे स्केल सेम है और क्वालिफिकेशन जो है और एक्सपीरियंस यहाँ पे भी सेम है। हाँ, यहाँ पे और हम लोग छोड़ दिए थे क्या, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक बी विथआउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट अलाउड और एलिजिबल। कहने का मतलब है इससे हायर को एलिजिबल, इसके हायर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी 30 साल लास्ट है, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर से, जो आपका 1 फरवरी 2022 को बेस लेके किया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी 34 है और इसमें आपको बैकलॉग वैकेंसी जो है एससी के लिए 1 है और करेंट ईयर जो वैकेंसी है वो कितना है, यानी 4 एससी के लिए है, 3 एसटी के लिए, 8 ओबीसी के लिए है और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए और 15 अनरिजर्व के लिए है, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, उसका भी पे स्केल सेम वही रहने वाला है और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए, केवल डिप्लोमा एलिजिबल है इसके लिए। इसका भी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है और टोटल वैकेंसी इनका 31 है, जिसमें एससी का 5, एसटी का आपका 2, ओबीसी का 6 और ईडब्ल्यूएस का 3 और अनरिजर्व का आपका 15 है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो वैकेंसी है 68 है आपका, 34 है और 31। कहने का मतलब 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हाथ में, 1 6 3 9 9 3 12 और 1 13, यानी 133 वैकेंसी एनएचपीसी निकाली है डिप्लोमा होल्डर के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका वैकेंसी जो आपका जो डिसेबिलिटी है उसके लिए आप ये पढ़ के देख सकते हैं ना। हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कंपनसेशन पैकेज भी आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, प्लेसमेंट वगैरह देख लीजिए। हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन फी देखने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फी जो है
वो एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं लगने वाला, एससी एसटी एससी के लिए नहीं लगने वाला है, और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 295 रुपया है ना। हमारा जो एप्लीकेशन फी है वो हमारा 295 होगा इंक्लूडिंग जीएसटी 18%, समझे कि नहीं। उसके बाद आपका एसटी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले के लिए ये फ्री है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया है स्टेप ऑफ अप्लाइंग, हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको www.nhpcindia.com में जाके अप्लाई करना होगा। करने के लिए आपको सबसे पहले करियर ऑप्शन में जाके वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और फोन नंबर होना चाहिए, ताकि आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको अपने पास सब चीज का फोटो कॉपी होना, ये स्कैन कॉपी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, है ना। जैसे आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए या इंटर का होना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद कंप्लीट मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप कास्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए चाह रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ग्रेड सीजीपीए के लिए। ये तरीका है, आप यहाँ पे केयरफुली पढ़ के देख सकते हैं। और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या बोला, द कैंडिडेट रजिस्टर ऑनलाइन विद एनएचपीसी एंड हैव फिल द रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू कन्फर्म विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी प्रीवियसली पर्सनली अलाउड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। द फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर टू अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब है जो अच्छे से भर लेगा उसको अलाउ करेगा एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम में जो पास होगा उसको ऑफर करेगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो टेस्ट सेंटर टोटल 22 सिटी में देने वाला है, जिसमें आपका रांची भी आएगा, भोपाल है, भुवनेश्वर है ना, अहमदाबाद है ना। आपका देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपका टोटल जो 22 सिटी है उसमें आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, किंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंजी, रांची, रायपुर एंड शिमला। ये 22 सिटी में आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा और आप सीबीटी एग्जाम के लिए अपीयर होंगे। अब आपका आ गया क्या, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट कैसे लेंगे। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो सब्जेक्ट हिंदी, देखिए मीडियम और एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होगा यानी 180 मिनट का, और टोटल मार्क्स आपका 200 मार्क्स का होगा, है ना। तो सब्जेक्ट आपका क्या पूछेगा, 4G। अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करें, इलेक्ट्रिकल के या मैकेनिकल के लिए, तो 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, यानी आपको 200 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 140 क्वेश्चन आपका खुद का सब्जेक्ट का होगा। यानी आप अगर मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल स्ट्रीम से होगा, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से होगा, और अगर सिविल के हैं तो सिविल स्ट्रीम से होगा। उसके बाद आपका 30 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस होगा यानी जीएस होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, और 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा। यानी 200 का में आपको 140 प्लस 30 प्लस 30 यानी 200 नंबर का होगा, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आप नीचे आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं इसके बाकी जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। हमारे इस चैनल पे आप ऑनलाइन स्टडी फ्री में ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी थ्योरी मशीन का जस्ट स्टार्ट किया है, चेन बेल्ट चेन एंड रोप ड्राइव। अगर आप चाहते हैं कि एनएचपीसी का तैयारी फ्री में किया जाए तो हमारे चैनल मैकेनिकल ट्रीट पे जाके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस चैनल पे जल्द ही मटेरियल साइंस को भी लेके आने वाले हैं। अभी आपके साथ
थ्योरी ऑफ मशीन और मेटेरियल साइंस चलेगा, और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मेड जी के द्वारा बनाया गया है और भी जो है उनका सारा का सारा एमसीक्यू भी क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हमारे इस चैनल पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री में, और इस चैनल पे आप इंडस्ट्रियल नॉलेज भी ले सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।